गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 9th क्लास का, वो चल रहा है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, जिसके तहत हमने प्रीवियस वीडियो में जो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया था। उनमें से कुछ बिंदु है वो शेष बचे हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जो आगे के जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम जो बचे हुए हैं अपने लोकतंत्र के जो विशेषताएं हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो चुनाव व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से विभिन्न प्रतिनिधियों के मध्य होती है और सामान्य योग्यताएं, सामान्य जो फॉर्मेलिटीज है उसके बाद में कोई भी व्यक्ति जो योग्यता रखता है वो क्या है कि विभिन्न पदों के उम्मीदवार के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है। उसके साथ ही क्या है, हम देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रतिनिधि चुनाव में जो खड़े होते हैं वहाँ पे प्रतिनिधि एक से अधिक खड़े होते हैं और एक से अधिक प्रतिनिधि खड़े होने के कारण देखते हैं कि कुछ स्थानों पे 5, कुछ स्थानों पे 10, कुछ स्थानों पे 15, कुछ स्थानों पे 20, कुछ स्थानों पे 5-4 ऐसे प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं। तो क्या है कि विभिन्न प्रतिनिधियों के मध्य एक प्रतियोगिता देखने को मिलती है। जो व्यक्ति ज़्यादा योग्य होता है, जो जनता से जुड़ा हुआ होता है, जनता के हित से संबंधित कार्य करता है, जनता की भावनाओं को समझता है, जनता क्या है ऐसे प्रतिनिधि को प्रमुख रूप से चुनती है और उसे अपना अमूल्य वोट देके उसको विजय बनाती है। तो एक सामान्य प्रक्रिया के बाद में क्या है कि व्यक्ति योग्यताएं पूर्ण करता है तो वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है और विभिन्न जो प्रतिनिधि है उनके बीच में एक प्रकार से कॉम्पिटिशन देखने को मिलती है। जो ज़्यादा योग्य होता है जनता उस प्रतिनिधि को अपने उम्मीदवार के रूप में प्रमुख रूप से चुन लेती है। बात आती है प्रत्येक वयस्क के चाहे कोई भी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग का हो, एक वोट एक अमूल्य होता है। सबसे पहले बात आती है कि उसका जो व्यक्ति मतदान कर रहा है उसके लिए कुछ योग्यताएँ निर्धारित हैं, कुछ उसके लिए कंडीशन निर्धारित है, कुछ बाउंडेशन बनी हुई है कि उसका वयस्क होना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है वो प्रमुख रूप से क्या है कि मतदान कर सकता है। अब बात आती है कि वयस्क की आयु है वो क्या निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो मतदान की आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष की गई थी। बाद में जो 62वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद में मतदान की आयु को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अब क्या है, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है और नामांकन पत्रावली में जिसका नाम दर्ज है वो व्यक्ति मतदान कर सकता है। ये तो होगी उसके वयस्क से संबंधित बात। अब बात आती है कि धर्म, शिक्षा, जाति या रंग। व्यक्ति का धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे वो किसी भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, कोई भी शिक्षा उसने प्राप्त की हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण है, सोनी है, दर्जी है, माली है, कुमावत है, स्वामी है, जो भी उनकी जाति है, और उसके साथ रंग, वो कैसा भी रंग हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे सांवला हो, कैसा भी हो, वो व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उसका वयस्क होना अनिवार्य है, उसकी आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है, नामांकन पत्रावली में उसका नाम दर्ज होना आवश्यक है और ये जरूरी योग्यताएं हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति को जाति, धर्म, रंग, वर्ण के आधार पे किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव है वो मतदान के आधार पे नहीं किया जाएगा। आगे बात आती है चुने गए शासक संवैधानिक सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं। अब जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना, अपना अमूल्य वोट देके, वो अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकते, वो अपनी मनमर्जी से नियम कानून नहीं बना सकते,
संविधान में जो नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों की उनको पालना करनी होती है, और उन कानूनों के अनुसार ही क्या है कि ये चुने हुए प्रतिनिधि कार्य करते हैं। तो इनकी जो दायरा निश्चित किया गया है, इनकी जो सीमा निश्चित की गई है, उस सीमा के अंदर रहते हुए कार्य करते हैं। इसलिए स्पष्ट कहा गया है कि चुने गए शासक संवैधानिक सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं। यानी इन्हें कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी कार्य करना हो, संविधान ने जो सीमा तय कर रखी है, जो पाबंदी तय कर रखी है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। उससे बाहर ये कार्य नहीं कर सकते प्रमुखतः। आगे बात आती है कानून का शासन। भारतीय व्यवस्था में हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि कानून का शासन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यानी संविधान से सर्वोच्च कुछ भी नहीं है। कानून बदलते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, आवश्यक संशोधन उनमें समय समय के साथ होता है, लेकिन संविधान में जो संशोधन करना होता है वो सामान्य न होके एक जटिल संशोधन होता है। तो ध्यान में रखना कि प्रमुख रूप से कानून का जो शासन है वो भारत में होता है। कानून सभी के लिए क्या समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमजोर हो, चाहे पिछड़ा हुआ हो, कहीं भी रहता हो, कानून सबकी दृष्टि से मैं समान है। और कानून के आधार पे सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, सभी को समान रूप से क्या है कि कानून है वो समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। तो कानून का शासन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है नागरिकों के अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित। अब बात ये आती है कि नागरिकों को संविधान के द्वारा कितने अधिकार प्राप्त हैं। ध्यान रखना कि संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त है। कितने अधिकार प्राप्त है? 6 अधिकार प्राप्त है, और प्रारंभ में इन अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब 6 अधिकार बचे हैं, और उन 6 अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है, और इनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना सरकार का प्रमुख रूप से दायित्व है। क्योंकि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये जो अधिकार है समान रूप से मिलने चाहिए, और सरकार का दायित्व बनता है कि व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव इन अधिकारों के संबंध में नहीं होना चाहिए। बात आती है एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। हम देखते हैं कि सरकार के जो अंग देखते हैं प्रमुख रूप से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे व्यवस्थापिका है वो कानून बनाती है, और जो व्यवस्थापिका कानून बनाने के साथ साथ बाद में कार्यपालिका प्रमुख कार्य होता है उस कानून को लागू करना। अब ये दोनों जब कानून बनाती है तो कई बार कानून क्या उचित भी हो सकता है, कई बार कानून क्या अनुचित भी हो सकता है। तो अनुचित स्थिति में जो इन कानूनों को प्रमुख रूप से नियंत्रित करती है, उन पे बाउंडेशन लगाती है, ये प्रमुख रूप से कार्य किसका होता है? सरकार के तीसरे अंग का। तीसरा अंग कौन सा होता है? न्यायपालिका। अब बात आती है कि न्यायपालिका का होना क्यों आवश्यक है। तो इसमें बात की गई एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, यानी न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किसी भी प्रकार से जो न्यायपालिका है उस पर दबाव नहीं बनाए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मतलब हो गया कि वो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता बनाए रखते हुए निर्णय करे, और जो गलत है उसको सजा दे, और जो गलत नहीं है, जिसने गलती नहीं की है, उसको क्या है सजा न मिलने बजाय उसको स्वतंत्र कर दे। तो न्यायपालिका का प्रमुख रूप से क्या है? स्वतंत्र होना आवश्यक बताया गया है। अब हमारे जो लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो तो पूर्ण हो चुकी है। अब लोकतंत्र के अपने कुछ चैप्टर से संबंधित कुछ बिंदु है, इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसकी लोकतंत्र की व्यवस्था में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, किस प्रकार से लोग अपने या जो पदाधिकारी है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, और विभिन्न प्रकार के कुछ दंगे फसाद करवाते हैं अपने हित की पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक हित की प्राप्ति के लिए। तो बात आती है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अब बात आती है कि जिन नेताओं को जनता ने निर्वाचित किया, जिन नेताओं को जनता ने निर्वाचित किया, अब वो चुने हुए जो नेता है या प्रतिनिधि है वही बाद में क्या है कि प्रमुख रूप से
प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री है, इनका चुनाव वगैरह करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव वगैरह करते हैं, राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव जो प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि है उनमें से किया जाता है। तो बात ये आती है कि प्रमुख रूप से जो फैसले लिए जाते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, तो जो निर्वाचित नेता है उनके हाथ में प्रमुख रूप से बागडोर होती है। लेकिन कुछ शासक है वो उनको जो पद मिले हुए हैं उसका दुरुपयोग करते हैं अपने हित के पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए। तो बात आती है इसमें सबसे पहले पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। हम देखते हैं कि भारत के पास में जो पड़ोसी उसका देश है पाकिस्तान, तो उस समय जो परवेज मुशर्रफ है वो शासन को हथियाना चाहते थे, शासन को प्राप्त करना चाहते थे, और इसके लिए उनके पास प्रमुख रूप से उचित मार्ग नहीं होके उन्होंने क्या अनुचित मार्ग अपनाया, और अनुचित मार्ग होने के कारण क्या है कि वो चाहते थे कि उनको जो पद है वो प्राप्त हो जाए, लेकिन पद है वो आसानी से मिलना संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, यानी सैनिक शासन को लेते हुए, और उन्होंने जो प्रमुख पदाधिकारी है उनका जो शासन व्यवस्था है उसको समाप्त करने का प्रयास किया, और ये कुछ हद तक अपने मंसूबों में सफल भी हो गए। और 1999 के बाद में हम देखते हैं कि इनको अपने मंसूबों में सफलता भी मिली, किसको, नवाज जनरल परवेज मुशर्रफ को। बात आती है जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। जनरल परवेज मुशर्रफ है उनके पदाधिकारी बनने से पहले जो सरकार बनी हुई थी वो लोकतंत्र की सरकार थी। लोकतंत्र की सरकार किसकी सरकार होती है, जिसको जनता चुनती है, और जनता के प्रति एक प्रकार से जो उत्तरदायी सरकार होती है उसको लोकतंत्र की सरकार कहते हैं। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने हितों को साधने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए जो सरकार बनी हुई थी उस सरकार को गिरा दिया, और अपने मंसूबों में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनुचित उचित मार्ग सभी मार्गों को अपनाते हुए अपने मंसूबों में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने में प्रमुख रूप से जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो कामयाब रहे, और उन्होंने सरकार को गिरा दिया और उनको सफलता प्राप्त हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को कार्यकारी घोषित किया। जब सरकार है वो गिर गई और उसकी प्रमुख वजह थी जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने सैनिक सहयोग लेते हुए और बीच में वैमनस्य उत्पन्न करते हुए सरकार को गिरा दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, खुद को कार्यकारी, खुद को प्रमुख लीडर है वो घोषित कर दिया, और पाकिस्तान की जो बागडोर है प्रमुख तय उनके हाथ में आ गई। तो हम इससे देखते हैं प्रमुख रूप से कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो नेतागण होते हैं, वो प्रमुख रूप से सरकार के ऊपर दबाव डाल के, दंगे फसाद करवा के, अपने लाभ के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार के हथकंडे हैं, प्रयास है वो करते हैं, और वो अपने मंसूबों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे जनता का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उनको तो प्रमुख रूप से अपनी राजनीतिक पदवी है वो प्राप्त करने में उनको अपना लाभ दिखाई देता है, न कि उन्हें अन्य किसी काम में लाभ। आगे बात आती है 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह कराने के उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने वापस चाल चली, वो चाहते थे कि उनके कार्यकाल को आगे और बढ़ा दिया जाए, वो और अधिक समय तक शासन करे, इसलिए उन्होंने शासन के साथ छलावा किया और धोखाधड़ी के साथ जनमत संग्रह करवाया, और उस जनमत संग्रह में उनको सफलता भी प्राप्त हुई, और वापस एक प्रकार से कहा जाए तो उनको जो राष्ट्रपति की पदवी है वो वापस प्राप्त हो गई। तो एक प्रकार से कहा जाए तो 2002 में धोखे से उन्होंने क्या करवाया, एक जनमत संग्रह करवाया, यानी जनता से विचार विमर्श करके और उन्होंने अपने पक्ष में उनको कर लिया, और उन्होंने अपना कार्यकाल है वो 5 साल के लिए बढ़वा लिया। इस प्रकार उनका कार्यकाल है वो लंबे समय तक चला, और उससे पहले जो सरकार थी उसको परिवर्तित करने में,
उसको गिराने में उनको प्रमुख रूप से सफलता प्राप्त भी हुई थी।